नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको ईडी नाम से भी जाना जाता है, जिसको संस्कृत, मराठी और आयुर्वेद में नपुंसकता या क्लैबिक, डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड है ना, आयुर्वेद ने बोला है। बहुत तरीके के उसके टाइप्स भी दिए हैं। तो क्लैब्य नाम से ये बीमारी आयुर्वेद में बताई गई है। आज हम उसके एक प्रिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। आप तो जानते हैं कि ये सेक्स एजुकेशन के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मेरा आप प्लेलिस्ट देखिए तो उधर आपको सेक्स एजुकेशन नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस है। आप उसके द्वारा अच्छी तरह से ये यौन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मोबाइल ऐप भी है, आयुर्वेद एकेडमी का मोबाइल ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। उससे 10-12 प्रोग्राम्स मैंने अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। वो पेशेंट्स के लिए भी हैं और वो डॉक्टर्स लोगों के भी लिए भी हैं। जरूर आप ये जो मेरा मोबाइल ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, तो वो डाउनलोड कर दीजिए। तो उसमें भी ये सब चीजें आपको मालूमात पड़ेगी। फिलहाल ये सब एक सरीका नहीं है, उसके बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन हम बना सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। इसी तरह आज का ये वीडियो जो है वो अलग तरीके का है, पहले वाला नहीं है। पहले वीडियो में ऐसे मैंने नहीं कहा था। ये देखिए, नपुंसकता पहले हम कारण देखने की, खोजने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर इसका कारण शारीरिक के बगैर, मतलब शारीरिक कम, मानसिक ही ज्यादा होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जिन पुरुषों में शिकायत है, उन लोगों में फिजिकल एग्जामिनेशन हम करवाते हैं, कुछ टेस्ट भी करवाते हैं, वो सब नॉर्मल निकल आते हैं। तो बीमारी कहाँ पर है? तो बीमारी ये ब्रेन में होती है। हमारी एंजाइटी, हमारी टेंशन, हमारी फियर, हमेशा परेशानी, ये सब चीजें, गलत फहमियां तो यौन शिक्षा के बारे में, सेक्स में के बारे में इतनी है, पूछो मत। हर रोज मेरे को कम से कम 100 मोबाइल आते हैं कि सर ये बात करनी है, वो बात करनी है, क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद एकेडमी में सेक्सोलॉजिस्ट भी मौजूद है। तो आप ये सब एक्सपर्ट और ट्रेंड डॉक्टर्स रहते हैं और मेरे मार्गदर्शन पर ही ये सब लोग काम करते हैं। फिलहाल हम फोन ज्यादातर नहीं उठा सकते, इतने सारे फोन बजते रहते हैं। तो आपको हमें संपर्क करना है तो एक ही मात्रा है आपको, 9226810630 पर व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा। उसका जवाब मैं जरूर देता हूं कि कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, कितना करना है वगैरह। पहले देखते हैं कि क्या क्या उसकी कारण हो सकती है। अस्वस्थ जीवन शैली, हमारी फास्ट लाइफस्टाइल, फास्ट फूड लेने की आदत, हमारी नशाबाजी, हमारा मद्यपान, हमारी स्मोकिंग, ये सब पीछे रहता है। हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब इसके पीछे, बचपन में हम कुछ मास्टरबेशंस करते हैं, उसकी एक इम्पैक्ट हमारे मन पर रहता है। ये सच, ये सही है या गलत है, क्या कर रहे हैं हम, उसके द्वारा ये हमें तकलीफ हो रही है। हमें तो कुछ एक्सरसाइज नहीं लेना है, हमें तो कुछ अच्छा नहीं खाना है, और अब चाहते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ऐसी एक टैबलेट बता दो, बस काम बन जाएगा। ऐसा नहीं होता। उसके लिए पूरे आहार, खान पान की व्यवस्था अच्छी रखनी पड़ती है, जीवन शैली अच्छी रखनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है। वो तो मसल्स की बात है भैया। हाँ, जब हम अवयव की बात करते हैं वो मसल की बात है, उधर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए आपको अस्वस्थ जीवन शैली, फास्ट लाइफस्टाइल, टेंशन वाली लाइफस्टाइल को निकाल देना है, गलत खान पान छोड़ देना है। कई कबार हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। हाँ, उसी के लिए तो एलोपैथी आयुर्वेद में दवा पानी हम कर सकते हैं। नशीली द्रव्यों का सेवन करना, ड्रग एडिक्शन, बिल्कुल गलत चीज है। मतलब ये विशियस साइकिल में आप पड़ जाते हैं। जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत है तो कुछ ना कुछ गलत आदतें आपको मतलब लत लग जाती है। जैसे कि आप क्या करते हैं, मद्यपान में जुड़ जाते हैं, आप स्मोकिंग में जुड़ जाते हैं, आप वेश्यागमन करने लगते हैं, ये सब गलत चीज है। इसके द्वारा और वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ठीक है, तो मराइटल कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो उसको काउंसिलर के द्वारा सॉल्व कर सकने की कोशिश कर सकते हैं आप। उम्र बढ़ने या प्रजनन प्रणाली में किसी तरह की बीमारी, मतलब यूरोजेनाइटल ट्रैक जो होता है, उन्हें हमें विनेरल डिसीज है, मानो कि विनेरल डिसीज है, चाहे जैसे कि सिफिलिस हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, गनोरिया हो सकता है, एलजीवी हो सकता है, कौन से भी कारण से वो हमारा जो पूरा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है वो डैमेज हो सकता है। उसके साथ साथ किन व्यक्तियों को डायबिटीज जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसके द्वारा भी ईडी के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों में हाइपरटेंशन की शिकायत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से सेकेंडरी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, मैं मान लेता हूं। फिर उसके लिए मूल कारण जो है, मूल डिसीज जो है, उसकी भी ट्रीटमेंट आपको अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। आगे चलते, प्रणाली में किसी तरह की बीमारी या विकार होने पर
पुरुष का यौन स्वास्थ्य मतलब सेक्स एंजॉयमेंट जो है वो प्रभावित होती है, जिसके कारण पुरुषों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मास्टरबेशन की लत लगना या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत, प्री मैच्योर इजेक्रेशन की शिकायत वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण उसमें क्या घटनाएं होती है, क्या कॉजेस सीरियस मतलब कुछ ट्रीटमेंट करवाने वाले कॉजेस क्या होते हैं, कि परिसंचरण संबंधित समस्या, जो पेनिस के सभोताल यूरेथ्रा के सभोताल जो मसल्स है और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको दुरुस्त करने का पड़ेगा, क्योंकि देयर इज एब्सोल्युटली नो बोन, वहां पर हड्डियां नहीं है, अस्थि नहीं है, जब खड़ा होता है अवयव तो उसमें क्या है, ज्यादातर वो एनगॉर्मेंट ऑफ द ब्लड हो जाता है। ठीक है, कई कबार कुछ सर्जरी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन बन जाते हैं, कुछ सबसे बढ़िया कारण है डिप्रेशन, मतलब क्या मराठी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ऑफिस में टेंशन हो सकते हैं, काम की टेंशन है, पैसे की परेशानी है, कुछ भी कारण, घर में कारण है, सोशल कारण है हो सकते हैं, तो ये सब आपको मूल कारण ढूंढना पड़ेगा। शराब का सेवन, चोट लगना, ट्रॉमेटिक इंजुरी हो सकती है टेस्टिस के सबोताल यूरोजेनाइटल ऑर्गन में, या हार्मोनल विकार मतलब टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है। ये देखिए हमें क्या करना होगा इसके लिए, ये शुक्र व स्रोतस बोलते हैं आयुर्वेद में, क्या बोलते हैं वो जो चैनल है ना यूरोजेनाइटल सिस्टम, आयुर्वेद का शब्द है स्रोतस, चैनल स्रोतस स्रोतस। ओके, शुक्र व स्रोतस का मूल स्थान कंट्रोलिंग कहां पर है, वृषण, वृषण का मतलब स्क्रोटम और उसके अंदर होने वाले टेस्टिस, शेफ का मतलब होता है पेनिस यानी यूरेथ्रा, और स्तन स्त्रियों में तो स्तन का बात आती है। शुक्र व स्रोतस की व्याधियां कौन सी आयुर्वेद ने बताई हैं, तो क्लैब्य बताया है जो इंपोर्टेंस है, वंध्यता इनफर्टिलिटी बताई है, उपदंश मतलब गनोरिया बताया है, फिरंग सिफिलिस व्याधि की दिक्कत की है, और एचआईवी जैसी ओजक्षय की भी चर्चा की है। मेरे एक पहले वीडियो बन चुका है जो मैंने अपलोड किया है जो एड्स के बारे में है। ठीक है, नपुंसकता तथा शुक्र अल्पता जिसको ऑलिगोधुस्पर्मिया बोलते हैं, उसकी चिकित्सा कौन सी मेडिसिन के द्वारा कर सकते हैं, वसंत कुसुमा कर रस, ये एवरग्रीन टॉनिक है सभी धातुओं के लिए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, जब भी किसी क्रॉनिक डिसीज की वजह से डेबिलिटी आ जाती है तो ये सब भस्म मिलाकर बनाया हुआ वसंत कुसुम, सुवर्ण भस्म, रौप्य भस्म, ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, ये सब इसमें लोह भस्म मौजूद है इसमें। उसके साथ साथ त्रिवंग भस्म, हाँ त्रिवंग का मतलब होता है तीन द्रव्य होते हैं उसमें, जिंक होता है, हाँ तो ये सब मिलाकर त्रिवंग भस्म बनता है, तो इसके 5 ग्राम लेना है। अभ्रक भस्म जो है वो रिजनरेशन करवाता है तो 10 ग्राम लेना है। दिव्य अमृता सत, ये पतंजलि की है, 10 ग्राम लेनी है। सिद्ध मकर ध्वज 2 ग्राम लेना है, और प्रवाल पृष्ठी जो उष्णता कम करती है 10 ग्राम लेनी है। सब औषधियों को मिलाकर आपको 60 पुड़ियां बनानी है, और एक पुड़ी प्रातः और एक पुड़ी नाश्ते के बाद और एक पुड़ी रात्रि भोजन के आधा घंटा पहले, भोजन के पहले लेना है ये पुड़ी जो है वो लेनी है आपको, या पानी के साथ ले सकते हैं, नहीं तो शहद का साथ ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ड्रॉप्स है, दिव्य शिलाजित सत, दो दो बूंद उसके दूध में मिलाकर आपको पीना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दूध भी आयुर्वेद के हिसाब से एक शुक्र वर्धन करने वाली, शुक्र का पोषण करने वाली बहुत बड़ी आहारीय पदार्थ है, फूड स्टफ है। दिव्य यवनामृत वटी, वटी का मतलब टैबलेट, और चंद्रप्रभा वटी, तो ये दो गोली यवनामृत वटी, वटी मतलब टैबलेट, और दो गोली चंद्रप्रभा की लेनी है, और टोटली मतलब सॉरी, एक गोली यवनामृत की और एक गोली चंद्रप्रभा की, कुल मिलाकर दो गोली प्रातः और दो गोली सायं भोजन के बाद, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर आपको दूध के साथ, दूध एक बढ़िया अनुपान है शुक्र धातु की बीमारी में। उसके साथ कुछ पाउडर्स आपको लेनी पड़ेगी, दिव्य अश्वगंधा चूर्ण, हाँ दिव्य शतावरी चूर्ण, ये दोनों दवा ये यूरोजेनाइटल ट्रैक के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। शतावरी के द्वारा उष्णता कम हो जाती है और मसल्स की ताकत बढ़ती है, और अश्वगंधा के द्वारा हॉर्स पावर आपकी बढ़ जाएगी। एक एक चम्मच चूर्ण को, पाउडर्स को प्रातः सायं भोजन के बाद गुनगुने जल के साथ सेवन करना है, आफ्टर द फूड यू हैव टू टेक दिस पाउडर। शुक्र अल्पता में मतलब जब ऑलिगोजुस्पर्मिया है तो ये ऊपर वाली दवा तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए ज्यादा है, उसके साथ साथ जब स्पर्म काउंट कम है, नॉर्मल स्पर्म काउंट मैंने पहले वीडियो में बताया था 80 to 120 मिलियंस
क्यूबिक एमएम, ये नंबर ध्यान में रखिए 80 to 120। आपको जिन लोगों को लगता है कि बच्चा नहीं हो रहा है, कपल्स में इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, उन्होंने पहली सीमेन की जांच करनी है। सीमेन का मतलब वीर्य, जो इंटरकोर्स के दरमियान, संबंध के दरमियान वो पुरुष के द्वारा योनि में गिर जाता है, उसको बोलते हैं सीमेन या वीर्य। उसकी जांच पैथोलॉजिकल लैब में किया जाता है। उसमें पहला स्पर्म काउंट देखते हैं, स्पर्म काउंट के बाद उसकी स्पर्म जो शुक्राणु है उसकी मोटिलिटी देखते हैं, हलचल। उसके बाद फ्रक्टोज कंटेंट, क्योंकि ये पोषण करता है, चीनी होता है हमारी सीमेन में, और उसके साथ साथ एबनॉर्मल स्पर्म्स की भी संख्या आपको ध्यान में देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको जब काउंट जो है वो 50 के बिलो है, 50 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम, 20 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम के पहले वाला है, तो उसको आप क्रौंच बीज, इसकी पाउडर और सफेद गुंजा, ये दोनों को कुट कर एक मिक्स करना है आपको, और एक एक चम्मच की मात्रा में प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करने पर शुक्राणु की वृद्धि तथा शरीर का पोषण होता है। क्रौंच बीज तथा सफेद गुंजा का प्रयोग शोधन के पश्चात, पंचकर्म के पश्चात करना बढ़िया रहेगा, और अदर उसके जो द्रव्य है उसका भी आपको शोधन करना, शरीर शुद्धि भी है और द्रव्य शुद्धि भी है, मेडिसिन भी शुद्ध करने पड़ेंगे। इसका शोधन दोला यंत्र या आप नहीं करने की जरूरत है, ये प्यूरिफाइड आपको मिल सकता है दुकान में, आपको कुछ नहीं करना है। फिर जानकारी के लिए, मतलब हम जब बनाते हैं वैद्य लोग या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो ये क्रौंच बीज सफेद गुंजा का शोधन करना पड़ता है। तो शोधन के लिए दोला यंत्र विधि से किया जाता है, बीजों को एक पोटली में लटक कर 4 लीटर दूध में पकाया जाता है। जब पकते पकते दूध गाढ़ा हो जाता है तो पोटली को निकाल कर छिलका उतार कर बीजों को पीस कर सुरक्षित रख दिया जाता है। यदि यौन दुर्बलता अधिक हो तो उपरोक्त औषधों के साथ यौवन गोल्ड कैप्सूल जो है वो दो दो गोली प्रातः सायं सेवन करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। इफ यू वॉन्ट एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। कृपा करके कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत ही जरूरत है। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।